अपना देखा था, किसान भवन था लुधियाना में, बेसमेंट में छोटी सी मीटिंग हुई थी, नमी आई हुई थी दीवारों पर, पपड़ियां मतलब अंदर घुस के भी बड़ा गंदा लग रहा था। 17-18 लोग थे, लीडर है हमारे सतवंत सिंह, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, हमने बैठ के प्लानिंग की, दो लोगों ने सिर्फ कि एक दिन ऐसा करना है। बहुत सारी टीमें काम करती, 10-10 टीमें मिलकर भी साल को नहीं भर सकती, सतवंत सिंह की अकेली टीम ने साल को भर दिया दोस्तों इस प्लानिंग से। जो आज मैं आपको देखे जाए अभी मैं ट्रेनिंग दे के आया हूँ, दो शिफ्टों में प्रोग्राम करना पड़ा क्योंकि एक शिफ्ट में लोग नहीं समा पाए। आप अंदाजा लगाओ इससे बड़ा हाल कहां से लाएंगे, ओपन ग्राउंड पे प्रोग्राम होने जा रहा है। और मैं वादा करता हूँ हांसी के अंदर पूरा एरिया खाली पड़ा आपका, हिसार, हांसी, आस पास का एरिया, और लोग आपको मना करेंगे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अरे जिंदगी में हम कितनी बार, हम कोई काम कर, जरूरी नहीं है कि हर आदमी को नौकरी, लेकिन हम जब जब काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, तो भगवान आपके रास्ते खोल देता है पूरे। आप किसी को दे रहे हैं, किसी को, किसी की, आपकी इमेज को कोई खतरा नहीं है कि आप कंपनी भाग जाएगी तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। मैंने पहले ही बोला हम लोगों को दे रहे हैं, ले नहीं रहे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप ये सपना सजाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। देखिए ये रास्ता बता रहा हूँ हमको रॉयल्टी पे जाने का, जो दिखता है वो बिकता की बात करिए ना। यस भाई, अगर आपको IAS बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, तो ABCD पढ़नी पड़ेगी ना। यस ये डायरेक्ट बन जाओगे ना, नहीं बनेंगे मेरे भाई। पहले ABCD हमारे जमाने में तो क्या कबूतर हुआ करता, अब तो पता नहीं वो चल रहे हैं, वो LKG और UKG, और हमारे वहां गुवाड़ा में जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं उसमें चल रहा है PP1, PP2, PP3। मैंने बच्चे से पूछा ना बेटा कौन से क्लास में, बोला PP1 में, दूसरी बार PP2। मैं तेरी PP कब खत्म हो गया, हमारे यहाँ तो पहली दूसरी तीसरी हुआ करती। तो मैं गया स्कूल में, मैडम मैं PP लगा रखा, ये कब ये कमाने के धंधे ढूंढ लिए लोगों ने। तो ये सारी चीजें बड़ी अजीब सी, हमारे जमाने में तो मामला ही कुछ और था। हालांकि मैं बूढ़ा नहीं हुआ, कभी सोच रहा जमाने की बात कर रहा हूँ। हाँ मैंने बताया थी ना एक बार एक सेमिनार में की स्टोरी, मैंने बताया ना बीच में DJ भी चलता रहेगा, सुनना चाहते हैं? बोर तो नहीं हो रहे? जिंदगी में जब भी कोई काम करो कॉन्फिडेंस के साथ करो। किस चीज के साथ करो? कॉन्फिडेंस। रोते मत रहो, मैंने शुरू में बताया रोगे तो नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ करो जैसे मैंने किया जिंदगी में। पांचवी क्लास की बात है, मैं पांचवी क्लास में प्रार्थना हुआ करती थी सरकारी स्कूलों में, भाई है ना मेरे साथ के लोग यहाँ। हाँ। और उसमें रिजल्ट सुनाए जाते थे, जब पेपर हो जाते थे तो सरकारी स्कूलों के रिजल्ट चौथी पांचवी क्लास के ऐसे सुनाए जाते थे, भाई बलवान सिंह ओड़ा सनो फलाना फैल या पास, ऐसे होता था। फलाना फलाना लील जी सनो ये पास, ऐसे होता था ना। तो बच्चे जो है ना प्रार्थना में बड़े एक्साइटेड होते थे, बैठते नहीं थे पड़ोसी मार के, नाम आना होता था ना कि मेरा नाम भूलेगा मैं पास हूँ या फेल, तो बोलते थे भाई ये पास। मैं भी ऐसे बैठा रहता था, बोलते थे साबुद्दीन खान सुनो अब्दुल हमीद फेल, मैं गला ऐसे बैठता था, फिर पलौथी मार के बैठ जाता था। अब अपना अपना सुनना होता था, बाकी तो फिर दिमाग खराब हो जाता था, दूसरों की सुनने की जरूरत ही नहीं। बड़ा परेशान हुआ, पांचवी क्लास की बात थी, मैं घर जाते पढ़ेंगे भाई आज, दो जैसे छुट्टी हुई बच्चे चिल्ला रहे हैं मैं पास हो गया। मैं थोड़ी दूर चला आया, इतनी दूर बाहर तक, मैंने कहा छुट्टी पड़ेगी एक महीने तो बच ले। उन्होंने भी रुक के मारने शुरू कर दिए, मैं पास हो गया। और ऐसे चिल्लाता मैं घर चला गया, और सब बच्चे मिठाई के डब्बे खरीद रहे हैं, मम्मी पापा से पैसे मांग रहे हैं, अपने अपने टीचर को दे रहे हैं, मम्मी मेरे को पैसे दो मैं पास हो गया, मैडम को एक डब्बा दूंगा, मैंने भी मिठाई का एक डब्बा, इधर सोनीपत साइड की एक सुशीला मैडम हुआ करती थी उसको मैंने भी दे दिया। हालांकि अंदर से दिल लग रहा था कि जूत पड़ने हैं एक महीने के बाद। तो सारी चीजें हुई जैसे जैसे करके, स्कूल के टाइम नजदीक आया, मेरी धड़कने तेज होने लगी। मेरे बड़े भाई थे, बोला चल स्कूल शुरू हो गया एडमिशन कराऊंगा, भाई साहब लाल मुंह हो गया कि आज तो कई जगह पिटूंगा, स्कूल में अलग घराना पहला गया उड़े छुप के गया, डरता पीछे खड़ा हूँ भाई के, और मैडम को बोलता भाई मैडम जी इनका एडमिशन कराना था, बोला किसका साहबुद्दीन का, मेरी तरफ देख के फटाक से छठी क्लास में नाम लिख दिया मेरा। मन में नू समझ में नहीं आया मिठाई का डब्बा काम कर गया या मेरा कॉन्फिडेंस काम कर गया। जिंदगी में रोते हुए जाओगे ना मेरे भाई कुछ नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, जिसके बाबला सकल देख रहे ज्वाइनिंग दे दे भाई तक पैटा छुपाना मुश्किल हो जाए, रोते हो जाएगा तो हो जाएगी क्या भाई। सब जिंदगी में सीखा है मैंने अपने गुरु से कि कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पे खड़ा था मैं, तो मेरे से वहां जो रिसेप्शन पे थी एयर होस्टेस उससे मेरे से बात करने लगी इंग्लिश में, तो सामने लिखा था हिंदी है हम
हिंदी है वतन हमारा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अब मेरे से इंग्लिश तो आती नहीं थी, कुछ कुछ समझ लेता था उस समय पे, हालांकि बहुत चीजें मैं समझने लगा बाद में। मैंने मैडम को बोला कि मैडम वो किसने लिखवा रखा है, बोले जी जो मैनेजमेंट है हमने लिखवा रखा है। मैं तुम खुद तो फॉलो कर नहीं रहे उसको। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, उसको हिंदी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्यों डरो भाई, फंसता कौन है, वो फंसता है जिसको इंग्लिश आती है, कमर पंगे लेता अंग्रेजों के साथ। क्यों ले रहे हो भाई, शर्माने की क्या बात है इसमें। धीरू भाई अंबानी आठवीं फेल आदमी था, बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े डॉक्टर उसके नीचे काम करते थे। अमीरी से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, नोट कर लेना। डरोगे और शर्माओगे तो मार खाओगे, जो नेचुरल हो वो रहो। मैंने जिंदगी में कभी चीज से, हालांकि मैंने अपने आप को डेवलप किया बाद में, धीरे धीरे करके चीजों को सीखना शुरू किया, लेकिन मैं अंग्रेजी कंट्रियों में भी घूमा हूं। मैंने अंग्रेजी उसमें टोटल, मेरा जो एडिटिंग का काम फोटोग्राफी का होता था टोटल इंग्लिश में होता था, लेकिन आज तक लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं साउदी तेरी एजुकेशन क्या है। मतलब वो एक फिल्म देखिए कादर खान के, पता नहीं किसकी, वो जब एक बस निकल के जाती है तो बोलता है भाई साहब क्या हाल है, वो बस में देखता रहता, बस में गुजारता रहता, सला ये कौन है, ये देखता ही नहीं सूर्यवंश में। तो मेरी मीटिंग सुन के बहुत सारे लोग खुजाते रहते हैं, बोले तेरी एजुकेशन क्या, मैंने चक्कर में ना पड़ा है, काम की तरफ ध्यान दे, ठीक है ना। तो अमीरी से एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, डरो मत। अगर आप अनपढ़ हो ना, अंगूठा टेक, मेरी टीम में एक ग्राम आपके अपलाइन पे 2 लाख रुपए महीना कमाता है, अंगूठा लगाता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिनपे साइन नहीं करने आते, 2-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। एक पैर में चप्पल टाटा की थी, एक में बाटा की थी, बिहार का एक बंदा सा रूबी है मेरी टीम के अंदर, वो बंदा कम से कम 3 लाख रुपए महीना कमाता है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर भी यहां से सारी चीजें करने लग रहे हैं। तो यहां पे डरने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहता हूं कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो आपका हाई रहना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। यस या नो? यस। तो हमारे टाइम में तो पहली दूसरी तीसरी करके यहां तक पहुंच गया, PP3 करके भी लोग धक्के खा रहे हैं। यस या नो? जुगाड़ बना लिए लोगों ने पैसे कमाने का। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, ऐसा सेलिब्रेशन अगर आप चाहते हो, ये दिखाने का मौका है, जितनी ताकत तुम अचीवमेंट पे लगाओगे ना, उससे ज्यादा ताकत अपनी इन्वाइटिंग पे लगानी है, ताकि लोग आपको देखें और आपकी टीम का हिस्सा बने। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इतनी बड़ी स्टेज है, इतनी सारी चीजें हैं, कितने रुपए का टारगेट देना चाहिए बिजनेस का? भाई सितंबर में, अक्टूबर में इतना बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, तो फ्री में दे दे क्या? नो सर, काम करके देना चाहिए ना। तो कितने रुपए का बिजनेस होना चाहिए सीनियर को छोड़ के? सीनियर रुक जाए, और जो लोग मीटिंग में ज्वाइनिंग कराया जिन्होंने, वो थोड़ा सा आइडिया दें कि सर हम सितंबर में इतना बिजनेस कर लेंगे और हमारा सेलिब्रेशन होना चाहिए। देंगे कुछ लोग आइडिया? जब काम करने की बारी आई तो सांप सूख गया सब का ना। घर के आंगन में मर्सिडीज सब देखना चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। भगत सिंह इंडिया में दोबारा आए, सब चाहते हैं मेरे घर में ना आए, ये कोई नहीं चाहता। यस या नो? तो काम तो करना पड़ेगा। कितना काम होना चाहिए भाई साहब? 50,000 कह रहे हैं। आप लोगों में से कोई बोल सकता है? टाइम नहीं खराब करेंगे भाई, ने बोला 50,000 होना चाहिए, इसको 40,000 कर दें क्या भाई? उसने 50 बोला, मैं तो रियायत कर रहा हूँ, 40,000 कर दें क्या? आप ना तो कम ना हमारे ना ज्यादा, क्योंकि वो काम अकाल से भी नहीं करना चाहते ना जी। भाई आप मेरे को बताओगे तभी तो नीचे में मर लू, ऊपर में मर लू। उसने 50 बोला, मैंने 40 कर दिया, 40 पे डन कर दे। ठीक है भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं काउंटर के नीचे 5,000 ले ले, 2 माला मेरे भी गिर दिए। क्योंकि इज्जत और मान सम्मान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता मेरे भाई, अनमोल चीज होती है। हजारों लोगों के बीच में मान सम्मान होना कोई आम चीज नहीं है। कुछ लोग दुखी आत्माएं जो बेचारी देख रही हैं कि यार हम क्या करें, इतना 40 भी को नहीं होता है, तो थोड़ा कम और कर लो, तो इसको 20,000 रुपए कर ले। जब मैंने बिहार में बोला था ना, अभी लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी थी, खड़े हो गए थे कुर्सी पे, बोला सर नू कर देगा, यहाँ सास भी को नहीं आ रहा लोगों ने। 20,000 कर दे क्या? यस। और भी जिनको भूत प्रेत के साए हो रखे आत्माओं को, उनका क्या करें भाई साहब? आज आप मूड में कुछ देने के लिए आए, सुनना चाहते हूँ। yes. जो आदमी मात्र 5,000 बिजनेस वैल्यू करेगा, उसका ऐसा सेलिब्रेशन करूंगा जैसे साला रॉयल्टी अचीवर का भी नहीं होता होगा।
कितना बिजनेस वैल्यू? पांच। और अगर आप भी नहीं कर सकते तो भाई साहब आज बोलता हूँ कि मैं काम का दुखी हो रहा हूँ आरसी में, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो आप लोग, फिर अगर इतना भी नहीं कर पाते। कंडीशन नंबर दो जानना चाहते हैं? yes. ये इसको भी हटाओ सर, वो पहले वाला लगा लेंगे। नंबर एक, ये 5000 बिजनेस वैल्यू आपका अभी अगस्त में होना चाहिए। कब होना चाहिए? अगस्त जो चल रहा है। और 5000 बीवी आपका सितंबर में होना चाहिए। और 5000 बीवी आपका 9 अक्टूबर को है ना सर प्रोग्राम, 28 अक्टूबर से पहले 5000 होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? 15000 रुपए का बिजनेस टोटल हो गया। इसमें एक रियायत और देता हूँ, आप अगर इस महीने में बिजनेस नहीं कर पाते हो उतना, तो पूरा 15000 आप सितंबर में भी कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट मंथ हमारा कौन सा है? सितंबर है। अगर आप सितंबर में और अगस्त में और अक्टूबर में मिला के कर दो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 महीने मेरे भाई कितना आसान है 15000 बीवी करना, ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ढंग से 100% प्रोडक्ट यूज करें तो 2-3 हजार का बीवी तो हमारे घर में ही हो जाता है। यस या नो? आसान करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो सब ऐसा सेलिब्रेशन करेंगे दोस्त, ये वो चीज होगी जो दिखता है उस दिन के बाद। देखना हंसी में किस तरीके से बिजनेस उठेगा। दादरी में जब हमने किया था उसके बाद पूरा माहौल चेंज हो गया था। और हंसी के अंदर मैं गारंटी देता हूँ, होटल वाला भाई अगर यहाँ पे बैठा है तो मायूस मत होना, क्योंकि इस होटल के अंदर लोग नहीं आएंगे हमारे, इतनी बड़ी संख्या होने वाली है, इतने ज्यादा लोग उसमें आने वाले हैं। दूसरा एक गिफ्ट आपको देने के लिए हम लेना चाहते हैं। yes. हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, हमने किया। हर साल हम कुछ करके बस सारी जिंदगी काम 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 फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं लोग आरसी में आके ठीक हो रहे हैं। तो मैं लोगों को एक टूर पे लेके जाता हूँ घुमाने के लिए। कहाँ लेके जाता हूँ? टूर पे लेके जाता हूँ। और वो टूर कैसा होता है? आप भी गए होंगे बहुत बार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो टूर हमारे साथ जाता है ना सर, ग्रुप में टूर जाता है, कोई पंजाब से है, कोई बिहार से है, कोई कश्मीर से है, कोई हरियाणा से है, कोई चारों तरफ से, कई स्टेटों के लोग मिलकर 300-400 लोग जब टूर पे होते हैं, वहां पे एक ऐसा मंजर होता है। बढ़िया से बढ़िया होटल में जब जाते हैं, एक शेड्यूल कैसे रहता है, सवेरे 8 बजे जब हम पहुंचते हैं, आना जाना आप लोगों का रहेगा वहां पे। वहां पे जब आप पहुंचते हैं 8 बजे, आपको बढ़िया वाला नाश्ता मिलता है, पूरा मेन्यू वहां पे पहले से सेट होता है। आप नहा दो के आपकी मर्जी, आप रेस्ट करो, उसके बाद सब लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहां पे एक वीडियोग्राफी होती है, वो वीडियो आपकी जो है बड़े बड़े फंक्शनों के अंदर दिखाई जाती है। 3 बजे सब लोग, 3 से पहले आप कच्चे बलियान में घूमो, लुंगी बांध के घूमो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन 3 बजे जब सब लोग हॉल में आते तो ड्रेस कोड में आएंगे। और आपकी बार का जो ड्रेस कोड है, ब्लैक पैंट है, व्हाइट शर्ट है और नीले कलर की टाई है और ब्लैक ही कोट है। अगर कोट नहीं सिलवा सकते बेचारे का, किसी का जुगाड़ नहीं है, तो ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और नीले रंग की टाई, ये हमारा कोड होगा, ड्रेस कोड होगा, जो उस हॉल में डाल के सब लोग जब अंदर आएंगे, 300-400 लोग अलग अलग स्टेट से होंगे, आपको वहां पे इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। वहां पे 1 घंटा आपके बारे में जो है मान सम्मान सारे टूर अचीवर को दिया जाएगा। फिर जो है 1 घंटे के बाद वहां पे डीजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसके बाद रात को लेडीज गेम वहां पे होते हैं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा पंजाब का गेम करा दिया, बिहार पंजाब का गेम करा दिया, एक बड़ा एंजॉय लोग वहां पे करते हैं। और फिर जेंट्स का गेम अलग होता है और रात को 10-11 बजे तक हम सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। और जो है फिर रात को जो है डिनर करने के बाद आपकी मर्जी, आप सो घूमो जो मर्जी करो, हमें उससे लेना देना नहीं है। सवेरे सब लोग तैयार होकर फिर हॉल में आते हैं और हॉल में आने के बाद न्यूट्री चार्ज की 1 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग के बाद सब लोग फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं और 4 बजे फिर वापस हम हॉल में आते हैं और पूरा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, वहां पे जो गेम होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड आते हैं उनको नेक्स्ट डे जिस दिन हम रिटर्न आते हैं तीसरे दिन, तो सुबह एक विदाई के समय सब लोगों को वहां पे बुलाते हैं, उनकी फीलिंग पूछते हैं, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, उनको मान सम्मान दिया जाता है। मैंने टूर के अंदर लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं। एक फैमिली जैसा माहौल होता है, लेडीज कोई पंजाब को हरियाणा के एक दूसरे में आपस को जानने लग जाती है, एक परिवार जैसा माहौल हो जाता है। मेरे भाई इतना प्यार लोगों में होता है। आज दुनिया एक दूसरे को तोड़ने पे लगी हुई है। आरसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां मैंने वहां पे देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में खाना खाते हुए मैंने उस टूर के ऊपर देखा है दोस्तों। ऐसा ऐसा चीज हम आपको देखते हैं, लोग रोते हैं, जल्दी से जल्दी फटाफट हमें दूसरा टूर दे दो, तब जाके जो है हमें इतने दिन बर्दाश्त नहीं होगा सर। इतना मजा आया टूर पे, हम जिंदगी में पहले भी गए। 15-20 हजार रुपए से कम आप इस तरह का टूर कभी सिंगल में ले ही नहीं सकते। जो हम आपको टूर देंगे वो गजब का माहौल होगा उसमें। लेकिन इस टूर का मजा पता कब है? जब आप कपल टूर पे जाते हो। क्या यानी कि जिस तरह के लेके ले आकर बैठ गए वहां बर्दाश्त नहीं होगी, साथ में लेके आना, ठीक है?
मेरी टीम से कई आदमी गए तो जो सिंगल थे उसमें चार पांच बेड लगे होते हैं, एक ही रूम में बड़ा रूम होता है, चार पांच बेड लगे होते हैं। बोला खान साहब आपने तो चार पांच सूट रखे देख के कमरे में। तो मैंने कहा ये मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है, ये चार पांच उन्हीं सूट रखे थे, क्यों नहीं लेकर आया अपने ने? क्योंकि जो लोग अकेले गए हुए थे कपल के साथ उनको सिंगल रूम मिले हुए थे, मिले थे नहीं मिले थे, गए थे कुछ लोग, तो उसकी सजा यही है, सूट नहीं रखे की बार तो ठोक दूंगा पांच पांच अगर पत्नी को लेके आओगे। अगर पत्नी को लेके आओगे तो रूम मिलेंगे, सिंगल आओगे तो ठुकोगे, मर्जी आपकी है। ऐसा नहीं है यार, बेड मिलते हैं थोड़ी एक जमीन में चला, सारी चीजें सेम होती हैं। और कुछ लोग सिंगल जाते हैं वहां पे कपल डांस करवाते हैं, क्या कराते हैं? कपल डांस कराते हैं। तो बेचारे जो सिंगल जाते हैं रोते हैं वहां पे, और वो क्या क्या हरकतें करते हैं अभी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। पर अभी हमारा टूर जाएगा नवंबर में, सितंबर टारगेट बंद है, अक्टूबर में सेलिब्रेशन है, नवंबर में हम टूर पे जाएंगे। जिन लोग जो लोग शादीशुदा हैं वो सब लोग कपल जाएंगे, और जो सिंगल है उनका क्या होगा? जिनकी शादी नहीं हुई क्या करेंगे? कितने लोग हैं बिना शादीशुदे? आप फुसोगे भाई वहां पे? दो महीने लेके आना है साथ में किसी को ले। मैंने एक वीडियो दिखाई थी कि हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग हमेशा उल्टी तरफ जाता है। हम अपनी मम्मी को ला सकते हैं, सिस्टर को ला सकते हैं, ला सकते नहीं लेकिन बड़े खुश हो गए, है ना? कुछ लोग पति पत्नी के बारे में बोलते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला ना, मतलब खान साहब दो दिन मिले थे खुशी मिलन के, उसमें भी तना लुभाई गेला बांध दी। बोले यार कल्ले जान दे बहुत सारे लोग। अरे मेरे भाई आज हिंदुस्तान के लोग बाहर निकल के देखो मेरे भाई, कितना एक पति पत्नी का प्यार हमारे देश में कैसा है देखना चाहते हैं? Yes. अगर पत्नी को नहीं लेके जाओगे ना तो आपके साथ एक घटना घटेगी।